जी फरीदा प्लस कासिम भाई के ड्रीम्स के ऊपर बिलीव करते हैं कि कासिम भाई सच कह रहे हैं, जो ख्वाब हम देखते हैं वो सच्चे हैं अल्लाह की तरफ से, और उनके ख्वाबों के अंदर सारे इशारे इमाम मेहदी की तरफ होते हैं काफ़ी ड्रीम्स के अंदर, और जो हदीसों में हमें पता चलता है। तो लेकिन कासिम भाई ने बाकायदा वीडियो बना के हमें कह दिया कि मुझे इमाम मेहदी मत कहें, तो हम तो एक अजीब से मसले में फंस गए हैं। एक हदीस हमें कुछ कह रही है, सीधा इशारा दे रही है, और अगर पूरी तरह बिलीव करते हैं तो वही वजह से हमें ये कासिम भाई कहते हैं कि ये मत कहा जाइए, तो हम क्या करें फिर सूरत हाल में। कासिम भाई, आपके सवाल यह है कि साथी आपके ख्वाब पर यकीन करते हैं और ख्वाबों से याखस करते हैं, और जो आदि से मुबारक हम इशारा हैं कि आप ही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हैं, तो आपने तो वीडियो बनाई और उसका आपने साफ इनकार कर दिया कि जो है मैं किसी बड़ी बात का इजहार नहीं करता, और मुझे ख्वाबों में जो तरबियत दी गई है कि मैं कोई बड़ा गेम नहीं करूँ। तो फिर हमारे साथ ही जो है कुछ परेशानी पड़ रहे हैं कि हम करें तो क्या करें, तो इसका अगर आप जवाब देना चाहें मुनासिब समझा। ये वैसे मेरा सवाल ही ये सामने बैठे उनका सवाल है। अब इसमें ये है कि जब मैंने ड्रीम शेयर करना शुरू किया है ना, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था, यानी एंड ऑफ टाइम की जो हदीस है वो तो मैंने बिल्कुल भी नहीं थी पढ़ी हुई ना, शायद कोई सुनी हो, मैंने वो जो शाहिद मसूद की वीडियो देखी थी, तो वो भी इतने साल बाद पता नहीं मुझे कितना के याद रह जाता है बंदे को। तो जब मैंने ड्रीम शेयर करना शुरू किए तो वो फिर जब जो लोग जिन्होंने सुने ड्रीम्स, तो वो कहते हैं कि यार तुम तो तुमने ये ख्वाब अपनी तरह से बना ली हैं और तुम शो ये करना चाह रहे हो कि तुम ही इमाम मेहदी हो, और इनडायरेक्टली तुम कह रहे हो, खुद नहीं कह रहे। तो फिर मैंने यानी जब देखा कि मैंने ये एक बंदे ने बताया, फिर दो तीन मैंने कहा काफ़ी इस तरह के बंदे जो हैं वो बात कर रहे हैं, तो आखिर फिर वो कुछ ने हदीस का रेफरेंस भी दिया हुआ था इस तरह से, तो फिर मुझे पता चला थोड़ा सा। फिर इवन एक ड्रीम था वो तो मैंने शेयर भी कर दिया हुआ था, वो मेजर साइंस के हवाले से था, तो उसका जब मुझे पता चला कि जी पहली निशानी तो ये है भरी निशानी, तो मैंने कहा ये क्या, तो वो फिर मैंने उसको प्राइवेट किया, और जो बाकी के ड्रीम्स थे जो मैंने शेयर किए हुए थे उनको भी फिर मैंने प्राइवेट किया। तो अब ये शुरू से ही हो रहा है, जो बिलीव कर रहा है ड्रीम्स पे वो कहते हैं कि जी आप वो हैं, जो नहीं करता वो कहते हैं कि जी आपको या ये शैतान बता रहा है, शैतान ख्वाब में आ रहा है, या फिर वो आपने अपनी तरफ से ये ड्रीम्स घरे हुए हैं। तो ये मुझे ख्वाब में भी आया था कि अल्लाह मुझे कहता है कि ये वीडियो बनाओ और इसको अपलोड कर दो, और कहो कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, यानी झूठों पे अल्लाह की लानत हो जो इस मामले में झूठ बोले। तो वो फिर मैंने वीडियो बना के तो अपलोड की। तो अब चक्कर मसला ये है कि अब आप लोग बिलीव करते हैं ड्रीम्स का तो आप उस तरफ चले जाते हैं, तो लेकिन इतना कन्फर्म है कि आप लोग कभी मेरे मुंह से कभी कोई बड़ी बात नहीं सुनेंगे, इवन बड़ी बात भी नहीं सुनेंगे, दावा तो बहुत दूर की बात। उसकी वजह ये है कि अब आप देखें कि जब मैंने ड्रीम शेयर करना शुरू किए तो उस वक़्त अल्लाह के सिवा मेरा कोई भी नहीं था, यानी मैंने अल्लाह के भरोसे पे ये ड्रीम शेयर करना शुरू किया, मैंने अल्लाह से कहा कि ये ना हो कि लोग ये कहें कि एक झूठा बंदा आया था और वो अपने ख्वाब शेयर करके चला गया और वो पता नहीं किधर गायब हो गया, तो अब तूने ही इन ख्वाबों को ना सच्चा करके दिखाना है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि मुझे जहन में यही था कोई दो चार बंदे ड्रीम पे बिलीव कर लेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं करेंगे,
लेकिन फिर अब जब इतने सारे लोगों ने बिलीव करना शुरू कर दिया, ना सिर्फ बिलीव कर रहे हैं बल्कि उनको फैला भी रहे हैं, तो ये अल्लाह की मदद है, इसकी अल्लाह की मदद के बगैर नहीं है। तो अब आप देखें कि अल्लाह मेरी ऐसे ही मदद कर रहा है तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कोई नऊज़बिल्लाह दावा करने की या बड़ी बात करने की। अब मैं 2015 में अकेला था, अब आप देखें आज अल्लाह की मदद से इतने लोग बिलीव कर रहे हैं, तो ये किसी भी यानी दावे के बगैर है। कोई इवन मैंने आप वीडियो देख लें, कोई बड़ी बात भी नहीं मैंने की। तो अल्लाह जब मेरी ऐसे मदद कर रहा है तो आप कह लें कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है पाँव पे कुल्हाड़ा मारने की। तो अब उसका एक दूसरा रीज़न, एक ड्रीम में मुझसे ये पूछता है, यानी वो मेरे ताक में होता है, कहता है कि सबके सामने तो ये कहता है लेकिन ये अकेले में क्या कहता है। तो वो ना मेरे पीछे आ रहा होता है और मैं एक बिल्डिंग होती है उसकी दूसरी मंजिल पे होता हूँ, मुझे पता चल जाता है कि ये मेरे पीछे आ रहा है और इस नियत से आ रहा है। तो मैं उधर वो दीवार के पीछे छुप जाता हूँ, तो जब वो उधर से ऐसे गुजर रहा है तो मैं अचानक बाहर निकल के उसको ना डराता हूँ, तो वो डर जाता है और फिर आगे से वो शर्मिंदा भी होता है कि मुझे पता था कि ये मेरे पीछे आ रहा है। तो मैंने उसको फिर कहता हूँ, मुझे पता तुम क्यों आ रहे हो मेरे पीछे। तो वो कहता है कि हाँ, और तुम एक दिन दावा करोगे। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कोई दावा करूँ। तो उसको ना मैं दो मिसालें देता हूँ। तो मैं उसको कहता हूँ कि देखो, जब मैं तुम्हें ना दो मिसालें दूँगा इसकी, एक जब खुलफ़ाए राशिदीन हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो का दौर था, तो उनके दौर में ना कहत की सूरत हाल पैदा हो गई। तो उन्होंने शाम के गवर्नर को हाथ लिखा कि यहाँ पे कैद की सूरत हाल पैदा हो रही है, तो आप इस सिलसिले में क्या मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इतनी लंबी लाइन लगा दूँगा रिस्क यानी ऊँटों की, कि पहला ऊँट आपके पास होगा, आए पहुँचेगा, तो आखिरी ऊँट मेरी तरफ से चल रहा होगा, इतनी लंबी लाइन लगा दूँगा। तो हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो खुश हो गए। तो अगले दिन एक आदमी आता है और वो कहता है कि मुझे रात को ख्वाब आई है, और ख्वाब में खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यारत हुई है, तो उन्होंने मुझे कहा है कि उमर से जा के कह दो कि वो अब वैसा नहीं रहा जैसा वो पहले था। तो हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो सुन के तो हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि वो आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि वो तो आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि हातिमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और के हाथ में गए हैं। तो फिर उन्होंने गौर किया और कहा कि हाँ, अब मैंने अल्लाह पे तवक्कुल करने की बजाय शाम के गवर्नर पे की। तो फिर उन्होंने कहा हम ना नमाज पढ़ते हैं, यानी बारिश की जो नमाज होती है वो, तो अभी वो पढ़ने के लिए मैदान में जा रहे हैं, पढ़ी है और उसके बाद जो है ना वो बारिश शुरू हो गई। तो क्यों उन्होंने अल्लाह पे तवक्कुल किया, जब उनका अल्लाह पे तवक्कुल हटा तो वो साथ ही वो ड्रीम आ गया उनका। तो इसी तरह एक वही मैंने भी पहले भी मिसाल दी थी कि सूरह सबा में अल्लाह ने एक कौम का जिक्र किया जिसको वो दो बाग दिए थे, कोई बुराई नहीं थी उनमें, हर तरह के यानी वो नेकुकार लोग थे। तो उन्होंने बस ये कहना शुरू कर दिया कि ये फल जो है ना ये हमारी मेहनत की वजह से आ रहा है, ना कि किसी और वजह से। तो अल्लाह ने उन फलों को मुर्दा कर दिया। तो अल्लाह ने कहा कि अब भी तो तुम उतनी ही मेहनत कर रहे हो जितनी पहले कर रहे थे, तो अब तुम इसको इन फलों को खा क्यों नहीं सकते या बेच क्यों नहीं सकते। तो क्योंकि उन्होंने अल्लाह से तवक्कल हटा के तो अपने मेहनत पे तवक्कल कर लिया। तो मैं उसको ये दो मिसालें देता हूँ। तो मैं कहता हूँ तो फिर मैं कहता हूँ कि अब अगर मैं कोई नौज़बिल्ला दावा कर दूँ तो वो फिर मेरा भी जो तवक्कल है वह ना वो अल्लाह से हट के उस पर चला जाएगा कि चूँकि मैं वो हूँ तो इसलिए अल्लाह मेरी मदद कर रहा है, चूँकि मैं वो हूँ तो मैंने तो कामयाब होना ही था, क्योंकि मैं वो हूँ तो लोगों ने तो बिलीव करना ही था। तो ये मेरा अल्लाह से तवक्कल हट के ना तो इस चीज़ पर आ जाएगा जो कि आप कह लें कि वो शिर्क के ज़िम्मे में आता है और जो अल्लाह को भी सख्त नापसंद है।
तो इसी बेस पे मैं कहता हूँ कि अल्लाह जो है ना वो मुझे कभी भी नहीं ये कहने वाला कि जाके तो ऐसा कोई दावा करो। और चूँकि अल्लाह ने मुझे अपनी रहमत से ये चीज़ें बताई हैं तो वही चीज़ जो है ना वो आप देखेंगे कि मैं कभी कोई दावा नहीं करता और ना मैं इंशाल्लाह कभी करूँगा और इवन कोई बड़ी बात भी नहीं सुनेंगे मेरे ज़हन से मेरे मुँह से क्यों इसलिए कि जो तवक्कल मेरा अल्लाह पे है ना वो फिर हट जाएगा तवक्कल और वो काम मैं करने नहीं वाला। तो ये रीज़न है बस इसका।